दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों, और हम भी ठीक है। तो आज है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है 7, कितना हो रहा है 7:04। और दोस्तों आज सुबह से ही बारिश शुरू हुई है और इधर है बाबू। आज है 27 और कल है छुट्टी है, आपको पता है? मैं तो देखो अच्छा। हाँ तो दोस्तों अभी बाबू नाश्ता करें, क्या नाश्ता करें आप? चोको बटर रोटी। हाँ तो मैं इसको सुबह सुबह पूछ रही थी कि रोटी किसके साथ खाना, दाल सब्जी या फिर पीनट बटर चोको बटर, उसका तो रहता है हर टाइम। तो उसने कहा कि उसको चोको बटर के साथ खाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा टाइम बच गया है। और वो लेके जाने वाले टिफिन में पोहा वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। अभी ये मैं अच्छे से धो के रखी हूँ, बहुत अच्छे से धोना है क्योंकि जो छिलका होता है वो रह जाता है, तो मुंह में आएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मैं कट करूँगी अभी अनियन और साथ में ये पैन भी हम गरम करेंगे। तो दोस्तों पैन गरम हो चुकी है मेरी और अभी मैं डालूंगी इसमें रिफाइंड ऑयल, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। इसमें हम डाल सकते हैं सरसों और कड़ी पत्ता, ठीक है, बट मैं सिर्फ प्याज डालूंगी क्योंकि बाबू को पसंद नहीं है, बाकी वेजेस भी डाल सकते हैं। मुझे लग रहा है तेल ज़्यादा हो गया। मैं ये फ़ोन जो वीडियो से देख रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि मेरा ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी, क्योंकि ऊपर से हम अगर डालेंगे पोहा में तो थोड़ा सा स्मेल करेगा हल्दी हल्दी, तो इसमें तेल में ही पका देंगे तो बिल्कुल ये स्मेल नहीं आती और जल्दी मिक्स हो जाते हैं। बस अभी मैं डाल दूंगी पोहा। अरे यार वेस्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जो बाबू को पसंद है उसको हमेशा जो भी बनाओ सिंपल पसंद है, जो भी बना के दो सिंपल वाला बना के दो, ज़्यादा मसाला वसाला नहीं तो उसको मिर्ची लग जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है ना अभी से, और बहुत जल्दी से बन जाती है। ऐसे अगर हम नॉर्मल खाएंगे तो इतना टेस्ट नहीं लगेगा, बस ऐसे बनाओ थोड़ा सा। इसमें मैं डालूंगी नमक और थोड़ी सी चीनी, स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा नहीं स्वाद अनुसार, और चीनी भी ऐसे नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। बस ये हो गई हमारी, अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टाइम हो रहा है 7:20, उसको मैं रेडी करा देती हूँ। अभी भी खा रहा है, उसको बोलना पड़ता है कि खाओ खाओ, और अभी भी बारिश रुकी नहीं है तो देखते हैं कैसे जाते हैं हम लोग। थोड़ी सी मुश्किल होगी बट जाएंगे, क्योंकि छतरी बाबू ने अपना तोड़ दिया ना, नहीं तो रेनकोट वगैरह इतना थोड़ी सी बारिश में नहीं पहनना पड़ता, बस छतरी पकड़ के चले जाते। लेकिन ऐसे भी नहीं जा सकते, एक छतरी में भी नहीं जा सकते, बैग है और वो भी है, मैं भी हूँ, हम भीग सकते, इसलिए हमको रेनकोट पहनना ही है। मैं भी चलो। तो दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी तो बारिश थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है बट
जाएंगे ऐसे भी करके जैसे भी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों अभी मैं रेडी हो गई हूँ बाबू को लेने के लिए और टाइम अभी 1 बजने वाला है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाबू मतलब स्कूल 1 घंटा पहले छुट्टी हो रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई। वैसे तो 1 घंटा बाकी है, तो इसी वजह से मैं जल्दी रेडी नहीं हो रही थी, नहाई भी नहीं थी। तो मतलब अचानक ऐसे ही मैं व्हाट्सएप खोली, चेक की मैसेज, तो वहाँ पर मतलब आया हुआ था कि 1 बजे छुट्टी होगी, जल्दी जल्दी आप अपने बच्चों को लेके जाओ। तो जैसे मतलब 12:30 बज रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि आज कपड़े वपड़े कुछ साफ नहीं करने वाली थी क्योंकि काल का कपड़ा सूखा नहीं था, तो जगह नहीं है इसी वजह से। तो मैं सोची कि बाद में नहा लूँगी, मैं ऐसे बैठी हुई थी। तो बस अभी मैं जैसे ही मैसेज देखी तो तुरंत मैं नहाई और बस जैसे तैसे रेडी हो गई हूँ। अभी टाइम है 10 मिनट बाकी है, तो बस अभी मैं लेके आऊँगी। और बारिश सुबह से चली रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो रही है इधर। तो जो छोटे छोटे नाली वगैरह होते हैं ना, तो वो भर जाते हैं। तो सब्जी वब्जी कुछ बनी नहीं है, बस चावल चढ़ा के जा रही हूँ, बस कुछ नहीं हो। आने के बाद बनाऊंगी मैं पनीर की सब्जी आज। तो दोस्तों जो दूध आती है ना, तो बाबू एक ही बार पीता है, तो जो बचता है वो मुझे पीने का मन नहीं करता, तो उसी दूध से मैं बनाई हूँ एक पनीर। तो इसका शेप सही अलग है, बट हाँ ये मस्त है, घर का पनीर है। तो आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी, इतने में से हम दोनों के लिए हो जाएगा। आलू मिक्स करूँगी बस। और तो बस चलिए मैं लेके आती हूँ, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी बारिश रुकी हुई है, देखते हैं, मतलब थोड़ी देर ऐसे रुकी रहे तो अच्छा, हम घर वापस आ जाए बस। हेलो दोस्तों, तो मैं बाबू को लेके आ चुकी हूँ, अभी टाइम हो रहा है देख सकते हैं। और दोस्तों चावल तो बन गई है, बट हमारी सब्जी नहीं रेडी हुई है, तो बस अभी वही बना रही हूँ मैं। ये रही ग्रेवी, और पनीर और आलू को मैं फ्राई करके रख दी हूँ। ग्रेवी को थोड़ी सी पका लेती हूँ, इसके बाद डालूँगी ऐसे ही। और इधर सब्जी बन रही है और साथ में मैं इधर काम कर रही हूँ थोड़ी सी। तो दोस्तों मैं फ्रिज का जो फ्रीजर है ना, मैं उसको बंद कर दी थी, पूरा बर्फ़ जमा हो गया था इसी कारण, तो कल रात को मैं बंद कर दी थी। देख सकते हैं आज पूरा पानी से भर गया, बहुत सारा पानी तो नीचे गिर गया जो मैं अभी साफ़ कर दी हूँ, बाकी जितना भी बर्तन वगैरह है उसके ऊपर भरा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो और ये जो सब्जी इसमें भी पानी भर गया था, मैं इसको छान के रखी हूँ। तो सारा जितना भी पानी है ना मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो जितना सामान है वो ख़राब हो सकता है पानी के साथ। ये देख सकते हैं बर्फ कितना बड़ा बड़ा, ये अगर पिघलेगा तो कितना पानी होगा बताओ। बर्फीला बर्फीला, ये हमारा ब्रेड है पिज्जा वाला, पता नहीं ये सही है कि गलत है, ये मुझे लग रहा है ख़राब हो गया। ये देखो पानी ये लग गया, इसको साइड में रख देती हूँ, देखते हैं अच्छा है कि नहीं, नहीं तो फेंक देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी पानी पानी, इसका तो हो गया। ये दूध है बचा हुआ 2-3 दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो इसमें ये कल का है और ये उसके पहले दिन का है, तो ये दोनों मिला के मैं बनाऊंगी पनीर। तो बस इसमें है दोस्तों मीठा है मुझे लग रहा है, अरे यार 3 बचा हुआ है देख सकते हैं,
मैं खाई नहीं, ये मेरे हस्बैंड जब थे तभी लेके आए थे उनके एक दोस्त ने, ये अभी तक पड़ा हुआ है। सारा पानी गिराती हूँ और एक साथ पूछा लगा दूंगी इसमें। बाबू का, ओ माय गॉड, ये बाबू का जेली जो मैं बनाई थी इसके लिए, लेकिन इसने खाया नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लग गया, मैं सोच रही कि इसको भी फेंक देते, काफी दिन हो गया वो खा नहीं रहा है तो हो सकता है वो खराब हो गया। ये है मिर्च मसाला, ये क्या है? अच्छा ये कुछ है जो बाद में मैं देखूंगी, पहले मैं पूछा कपड़ा लेके आती हूँ तो सारा कुछ पूछा रहा। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अभी काफ़ी रात हो चुकी है और हम लोग का पढ़ाई हो चुका है, तो अभी मैं आई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। और आज कुछ सब्जी वगैरह नहीं बना रही, बस हम दूध के साथ, मतलब मैं तो नहीं खाऊंगी, बाबू खाएगा दूध के साथ, तो दूध गर्म हो चुकी है और बस एक रोटी बनाऊंगी। तो अभी कुछ देर पहले बाबू खाया था ब्रेड, तो बोल रहा है कि मुझे एक ही खाना है और दूध पीना है, बॉर्नविटा दूध, तो बस आज का डिनर यही है। और मुझे भी खाने का मन नहीं कर रहा, मैं दोपहर को कुछ ज़्यादा ही खा ली थी। और अभी बारिश हो रही ना, तो ऐसे मौसम में इतना ठूस ठूस के खाना मुझे तो अच्छा नहीं लगता, और बस इसीलिए ऐसे रात को ज़्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ खाना, तो बस वही बनाऊंगी। और टाइम 10:30 बज रहे हैं और दोस्तों बारिश अभी भी हो रही है, और क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। चलिए मैं रोटी बनाती हूँ और आज का ब्लॉग एंड कर देते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर देना। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना दोस्तों, ठीक है? सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट।